आईक्यू 7 के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, कुछ क्विक सेटिंग्स बताएंगे जो आपके बहुत काम के आने वाली है अगर आप आईक्यू 7 परचेस करोगे। एंड बहुत पॉपुलर डिवाइस है, अंडर 30,000, बहुत कुछ ये जो है नया प्रोवाइड करते हैं, कुछ एक्साइटमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे कि फ्रेम रेट, इंटरपोलेशन, MEMC टेक एंड देन 4D वाइब्रेशन, और बहुत सारे जो है एक्साइटिंग फीचर्स है, जैसे कि 300 हर्ट्ज़ का जो है टच सैम्पलिंग रेट है, 120 हर्ट्ज़ का जो है डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है, और इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट 1000 हर्ट्ज़ का देखने के लिए मिलता है। अच्छे कैमरास भी मुझे लगे यहाँ पर, 48 मेगापिक्सल का सोनी का IMX598, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड फ्रंट कैमरा भी अच्छा मुझे लगा, एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग डिवाइस है, एटलीस्ट Mi 11X तो बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में बात करते हैं, इवन मुझे जो सॉफ्टवेयर है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, बट कुछ कमियाँ इसमें हैं, कुछ जो है सेटिंग्स आपको कर लेनी चाहिए ताकि आपको अच्छा और भी जो है आपका जो एक्सपीरियंस है और भी ज़्यादा इन्हांस हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो है प्रीलोडेड कुछ ऐप्स है जो कि आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, एंड यहाँ पर कुछ हॉट ऐप्स और हॉट गेम्स के यहाँ पर जो है फोल्डर्स बने रहते हैं जो कि इरीटेटिंग है, और भी कुछ चीज़ें जो आप कैसे जो है क्लीन एक एक्सपीरियंस ले सकते हो इस सॉफ्टवेयर से। फन टच ओएस के साथ आता है जो कि स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा, थोड़ा सा ऑक्सीजन ओएस जैसा फील मुझे दे गया। तो चलो बात करते हैं, पहली बार आए सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक डिसलाइक आपके ऊपर। तो मैं पहले आपको बताता हूँ कैसे हॉट ऐप्स एंड हॉट गेम्स को आप जो है बंद कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो है भी ऐप स्टोर में जाना है। अभी देखो मेरा यहाँ पर हॉट ऐप्स एंड हॉट गेम्स है नहीं, तो मैंने बंद करके रखा है, तो मैं फिर से चालू करके बताता हूँ। भी ऐप स्टोर में चलते हैं, कन्फर्म करते हैं, स्किप करते हैं, और यहाँ पर टूल्स में चलते हैं। तो टूल्स में जैसे जाएंगे, यहाँ पर फिर से स्किप करें, तो टूल्स में चलिए, और टूल्स में जाने के बाद तो यहाँ पर भैया सेटिंग्स में चलाएँ। सेटिंग्स में जाएंगे जैसे ना, यहाँ पर हॉट ऐप्स एंड गेम्स के यहाँ पर होम स्क्रीन में आपको दिख जाएंगी ये वाली जो सेटिंग है, ये ऑन रहती है बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसे आपने बंद करना है। ठीक है, तो इसे आपने जो बंद करना है, तो मैं अभी ऑन करके बताता हूँ। तो जैसे मैंने ऑन किया ना यहाँ पर, तो मैंने तो यहाँ पर होम स्क्रीन में बंद करके रखा, यहाँ पर दिखेगा नहीं, यहाँ पर दिखेगा, देखो हॉट ऐप्स एंड हॉट गेम्स आ गई ना भाई। अब इसे आपने ऐसे रहता है ना बाय डिफ़ॉल्ट, हटाने के लिए आपको भी ऐप स्टोर में जाना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम वो परमिशन आपको देना पड़ेगा, एंड देने के बाद मैं आपको वो हटा परमिशन भी हटा के बताऊंगा। तो परमिशन देना है एंड देन स्किप वगैरह करके आ जाना है यहाँ तक टूल्स तक। तो टूल्स में आना है, टूल्स में आने के बाद सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में आने के बाद ये वाली जो बंद करके रखना है। ठीक है, हॉट ऐप्स एंड हॉट गेम वाली, ये वाली बंद कर देना बस, और बाकी सब यहाँ पर जो है यहाँ पर और कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। क्लियर कैश कर सकते हो यहाँ पर, अगर करना चाहे तो क्लियर कर देना कैश डेटा, और यहाँ पर यहाँ से निकल जाना, और यहाँ पर भी ऐप स्टोर में चले जाना, और ऐप इन्फो में चले जाना। ऐप इन्फो में जाने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, परमिशन देख लो, यहाँ पर परमिशन इन्होंने जो है ले लिया ऑटोमेटिक ना, तो आपने क्या करना है फिर यहाँ पर स्टोरेज में चले जाना है और क्लियर स्टोरेज कर देना है। जैसे कर दोगे ना यहाँ पर, ये कर देना, एंड देन यहाँ पर देखो परमिशन अभी भी दिया हुआ है, तो सारे जो है परमिशन को आप जो है डिनाई करना है वन बाय वन। ओके, ऐसे ऐसे डिनाई कर देना, फ़ोन को भी डिनाई कर देना है एंड स्टोरेज को भी डिनाई कर देना है। ठीक है, तो ये आपने कर लिया, कोई भी परमिशन अभी नहीं है, एंड आपने यहाँ पर इसे क्लोज कर देना है। ठीक है, यहाँ पर देखो अभी जो है चली गई ना हॉट ऐप्स एंड हॉट गेम्स वाली जो फोल्डर थी वो यहाँ पर नहीं है, तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। और एक अच्छी बात क्या है ना, ये हॉट ऐप्स एंड हॉट गेम्स वाली फोल्डर ना रियलमी में देखने के लिए मिलता है, लास्ट रियलमी 6 और 6i में तक देखने के लिए मिला था, 7 और 7 के ऊपर से और देखने के लिए नहीं मिला। बट वहाँ पर एक दिक्कत आती है अभी भी जो है वो ना, हॉट ऐप्स एंड हॉट गेम्स वहाँ पर भी सेम है, वहाँ पर जो है रियलमी के ऐप स्टोर में जाके उसे बंद करना पड़ता है, बट वो फिर से वापस आ जाती है जैसे कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट आता है या आप फ़ोन को रीबूट करते हैं, बट ऐसा इसके साथ नहीं है। अगर रीबूट भी करेंगे ना ये वापस नहीं आने वाली है, तो ये एक अच्छा है, बहुत ज़्यादा इरीटेट नहीं करती। अब यहाँ से जैसे आप मिडल से स्वाइप करते हैं, जैसे कि मेरा अभी देखो मैं क्लियर कर देता हूँ, मेरा जो है नोटिफिकेशन पैनल आता है, बट यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ना ग्लोबल सर्च रहता है, तो इसके लिए ना आपने यहाँ पर होम स्क्रीन में लॉन्ग टैप करना है एंड होम सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने अब यहाँ पर देख लो, ये जो है नोटिफिकेशन सेंटर है ना, ये ग्लोबल सर्च रहता है, तो आपने इसे नोटिफिकेशन सेंटर में कर लेना है। तब यहाँ से जो है जैसे आप स्वाइप करेंगे यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पैनल देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट मैं आपको सेटिंग्स में लेके चलता हूँ, डबल टैप टू लॉक एंड डबल टैप टू वेक अप। ये बहुत बढ़िया एक जो है फीचर है, डबल टैप टू वेक एंड डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, तो स्मार्ट टर्न ऑफ स्क्रीन ये वाला जो फीचर है, तो आपने सर्च कर सकते हो या यहाँ से आप जा सकते हैं डबल टैप टू वेक एंड डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, तो ये बहुत बढ़िया फीचर है ये। और फिर वेक हो गया एंड देन आपने अनलॉक करना है, एंड जो फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी यार। तो ये है, ये बढ़िया सेटिंग्स आपके लिए आप कर सकते हैं। एंड आपको पता ही होगा डिस्प्ले में जाके आप जो है स्क्रीन रेट को आप जो है डायनामिक यहाँ पर स्मार्ट स्विच में रख सकते हैं ताकि आपकी थोड़ी बैटरी वगैरह बच जाए,
और एक बहुत बढ़िया बात ये है, ये भी है, मैं आपको करके बताता हूँ। जब आप YouTube में जाते हो ना, दूसरे जैसे Xiaomi के डिवाइस में क्या होता है, जैसे आप YouTube में जा देंगे ना तो वहाँ पर 120 Hz काम नहीं करता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैं आपको सेटिंग्स में लेके चलता हूँ, डेवलपर ऑप्शन में, डेवलपर ऑप्शन में लेके चलता हूँ आपको यहाँ पर, और यहाँ पर रिफ्रेश रेट अगर मैं आपको बताऊँ ना, सो रिफ्रेश रेट ये जैसे मैंने किया ना, यहाँ पर देखो 120 Hz दिख रहा है, दिख रहा है आपको 120 Hz, एंड ये सब जगह काम करती है। एंड सेटिंग्स में चलता हूँ, यहाँ पर भी 120 Hz है, एंड इवन अगर मैं यूट्यूब में भी जाता हूँ जहाँ पर वीडियो चलती है 30 FPS की ही वीडियो चलती है, तो यहाँ पर भी जैसे मैं जाता हूँ ना, तो ये कुछ मेरा ऐसा होम स्क्रीन है, तो यहाँ पर भी जैसे मैं जाऊँगा तो यहाँ पर भी 120 Hz का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पर भी ये चलती है। बट आप अगर Xiaomi के MIUI रन कर रहा है ऐसा कोई डिवाइस, अगर Mi 11X में भी जाओगे ना तो वहाँ पर 60 Hz का ये दिखेगा। तो ये बहुत मुझे बढ़िया लगा, पसंद आया मुझे। सेटिंग्स में चलते हैं, और भी कुछ चीज़ें के बारे में बताते हैं आपको। लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का आपको फीचर देखने के लिए मिलता है, और ये इसके इसके बारे में क्या बताएं, बहुत सारे आपको जो है डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ जो है लॉक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर चलते हैं, आपको यहाँ पर पर्सनल स्टाइल का एक फीचर मिलता है, इसमें बहुत सारे कुछ है यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं, जो कि मुझे पसंद आया, एंड क्लासिक स्टाइल, तो ये है, यहाँ पर भी बहुत सारे आपके ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर है, मान लीजिए अगर ऐसे मैंने चूज़ किया तो इस तरीके का स्टिकर अगर मैं यहाँ से अगर चाहूँ तो ये भी बदल सकता हूँ, तो ये भी बहुत सारे जो है आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। अब यहाँ पर ये 60 Hz हो गया, देखिए, तो यहाँ पर तो सेटिंग्स है, सेटिंग्स पैनल में देखिए फिर 120 Hz में आ गया, तो बढ़िया बात है। तो इस तरीके से आप जो है लॉक स्क्रीन, और लॉक स्क्रीन मैगजीन यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है, अगर उसे आप हटाना चाहते हो ना लॉक स्क्रीन पोस्टर करके, तो यहाँ से आप जो है नॉट नाउ करके, ये सारा कुछ बंद करके मैंने रखा हुआ है, तो लॉक स्क्रीन में वो वॉलपेपर नहीं आता, तो बैकग्राउंड में चलते रहता है, वो आपका डेटा कंज्यूम करेगा। तो अगर वो लॉक स्क्रीन का जो वॉलपेपर है उसे बंद करना चाहते हो, डायनामिक वॉलपेपर भी बोलते हैं लॉक स्क्रीन के लिए, इसमें यहाँ पर लॉक स्क्रीन पोस्टर कहा जाता है, तो इस तरीके से आप बंद करके रख सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया है। एक्सटेंडेड रैम का फीचर मिलता है, रैम यहाँ पर जो है 8 GB की रैम है, बेस वेरिएंट है, उसके साथ 3 GB यहाँ पर 11 GB आप स्टोरेज से भी यहाँ पर एलोकेट कर सकते हैं, इसे बंद भी कर सकते हैं, एक्सटेंडेड रैम वाला फीचर, तो ये बहुत बढ़िया लगा मुझे। एंड सबसे बढ़िया बात अगर मैं आपको लेके चलूँ यहाँ पर गेम मोड में, तो यहाँ पर ई स्पोर्ट मोड देखने के लिए मिलता है, गेम डिस्प्ले एनहांसमेंट, तो ये जो है देखने के लिए मिलता है, डायनामिक एडजस्टमेंट, कलर एनहांसमेंट, ये जो HDR टू स्टैंडर्ड रिफ्रेश, सॉरी स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज टू हाई डायनामिक रेंज, ये वाला जो फीचर है। देन गेम का फ्रेम इंटरपोलेशन, ये जो है MEMC टेक, जो कि एक्स्ट्रा जो है अलग से डिस्प्ले के लिए चिप है यहाँ पर, तो यहाँ पर वो कॉल ऑफ ड्यूटी में काम करेगी, एंड फ्री फायर में काम करती है, यहाँ पर आप जो है कॉल ऑफ ड्यूटी 120 Hz में आप खेल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 4D वाइब्रेशन का भी फीचर देखने के लिए मिलता है, जो कि ऑटो सिलेक्ट होता है, अगर आपने 4D वाइब्रेशन ऑन करना है तो वो ऑटो सिलेक्टेड होता है, आपने वो ऑटो सिलेक्ट को बंद करना है, और वो जो वाइब्रेशन वाले जो आपको जो है वर्चुअल बटन्स देखने के लिए मिलता है, वो जहाँ पर आप जहाँ से मतलब अगर क्लॉ में खेलेंगे तो यहाँ पर आपने जो है फायरिंग बटन को अगर यहाँ पर प्लेस किया रहेगा तो आपने उसे मैप करके वहाँ पर लेके जाना है, अगर एक बटन में करना चाहता है तो एक फायरिंग बटन में, दो बटन के लिए करना चाहता है तो दो फायरिंग बटन में आपको प्लेस करना है, ठीक है। तो उसके बाद ये 4D वाइब्रेशन काम करता है, मैंने अपने इनिशियल इंप्रेशन में बताया था कि वो जो है हर एक गन शॉट में नहीं काम कर रहा है शायद, तो मुझे वो सेटिंग्स नहीं पता थी, बट अभी मुझे पता है, एंड ये फ्लॉलेसली काम करती है, बहुत बढ़िया काम करती है, और ये सच में जो है आपका जो एक्सपीरियंस है बहुत इन्हांस करती है, इवन कॉल ऑफ ड्यूटी में जब 120 Hz में खेलेंगे ना बहुत बढ़िया लगता है, गेम साउंड इफेक्ट्स वगैरह ये सब कुछ आप जो है कस्टमाइज वगैरह कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया जो है यहाँ पर गेम पिक्चर इन पिक्चर मोड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, अगर मैं आपको ये दिखा पाऊँ यहाँ पर, तो ये आपको देखने के लिए मिलता है ना, यहाँ से आप जैसे करेंगे यहाँ पर 4D वाइब्रेशन बताता हूँ आपको, 4D वाइब्रेशन ये देखो, तो मैंने ऑटो एम ना ये बंद करके रखा है, ऑफ करके रखा हुआ है, तो ये बाय डिफॉल्ट ऑन रहती है, तो आपने इसे पहले ऑफ करना है, एंड सिंगल फायरिंग बटन एंड डुअल फायरिंग बटन, ये जो है आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, इसे आपने मैप करना है, कहीं पर भी लगा सकते हैं आप, ठीक है, इसे कहीं पर भी आप लगा सकते हो, एंड ये जो है 4D वाइब्रेशन का काम करेगी, तो यहाँ पर मैंने लगा के रखा है, एंड ये सिंगल फायरिंग बटन एंड डुअल फायरिंग बटन ये आपने करना है, तो ये है, एंड डन कर देना है ऐसे करके, एंड देन ऐसे करना है, और यहाँ पर आप जो है अपने सोशल मीडिया ऐप जो है यहाँ पर आप जो है इस्तेमाल कर पाओगे, तो ये है त्वरित नगर आ गई भाई, हटा भाई, तो यहाँ से ट्विटर भी चला सकते हैं, देखो अभिषेक भाई ने अभी पोस्ट किया है, ठीक है, तो ऐसे आप ट्विटर वगैरह चला सकते हैं यहाँ से, तो बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया फीचर्स हैं। एंड मैं आपको लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर जल्दी जल्दी बताता हूँ, यहाँ पर शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी एंड सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जो है कहाँ गया,
लॉक स्क्रीन वॉलपेपर डायनामिक इफेक्ट्स, तो ये जो है डायनामिक इफेक्ट वाला जो ये जो फीचर है, बहुत सारे नए फीचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन ये आप यहाँ से चेंज कर पाओगे, एंड अनलॉक इन जब इंटर करोगे ना तब वहाँ पर जो एनिमेशन आएगा वो चेंज कर पाओगे। यहाँ फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन एनिमेशन ये भी चेंज कर पाएंगे। फेस रिकॉग्निशन की एनिमेशन है तो ये भी चेंज कर पाओगे। चार्जिंग की एनिमेशन ये भी चेंज कर सकते हो, ऐसा मैंने नहीं देखा है। यूएसबी इंसर्ट जब करोगे तब एनिमेशन चेंज होगी, तो ये भी नया चीज़ है। एंड स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन ये जो है ये भी चेंज कर पाओगे। तो बहुत सारे कस्टमाइजेशन फीचर्स है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा थोड़ा सा भी। अगर आप फर्स्ट टाइम जो है फन टच वॉइस यूज़ कर रहे हो तो ये सारे जो है नए सेटिंग्स आपने कर लेनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये था, इतना था इस वीडियो में। अगर आपको पसंद आया रहेगा लाइक डिसलाइक सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक देखते रहिए।